इस वक्त हाथ मिलाते हुए दोनों कप्तान भूषण टीम, जहां तक डीवाई पाटिल विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे, वहीं उनके सामने डॉक्टर होमी बाबा स्टेट यूनिवर्सिटी मुंबई के बीच टॉस का सीखा और टॉस यहां भूषण ने जीता। शुरू होता हुआ खेल, इसके साथ ही अंपायर की अनुमति बस्ती सिटी और यहां मुंबई चला है। मातृ शक्ति को प्रणाम करते हुए भारतीय परंपराओं के अनुसार चार नंबर से इस समय सिंधे चले हैं। तुषार सिंधे सुपरस्टार रेडर साबित हो सकते हैं, इसके अलावा जतिन सिंधे भी उभरते हुए स्टार है। डॉक्टर होमी बाबा यूनिवर्सिटी मुंबई अच्छी शुरुआत करता हुआ पहली रेड से इस वक्त, जी हां, टच पॉइंट के साथ पहला पॉइंट मुंबई के माला में। और इस समय समीर चले हैं जो कि टीम के कप्तान भी हैं, टॉस जीतने में सफल रहे। देखते हैं शुरुआत कैसी करते हैं। समीर लंबा ऊंचा कद, बड़े कद के खिलाड़ी और इनका खेल भी निश्चित रूप से बड़ा होगा। इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी मैन कबड्डी टूर्नामेंट 2024-25 इस वक्त श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़े वाला यूनिवर्सिटी झुंझुनू की से पावन धरा से, मैं गजानंद आप सबका स्वागत अभिनंदन। सेफ कमबैक पहली रेड से समीर। डीवाई पाटिल विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे बनाम मुंबई आमने सामने, बड़ा मैच इसलिए सबकी धड़कनें तेज हो सकती हैं इस मैच में। झुंझुनू जिला जिसकी मेजबानी कर रहा और यहां लक्ष्य तक पहुंचते हुए दूसरा पॉइंट यहां अर्जित किया, सात नंबर को बाहर भेजता हुआ। इस समय 12 नंबर से चले हैं भूषण और ये काफी बेहतरीन रेडर हैं भूषण, शुरुआती समय है इसलिए थोड़ा सा सावधानी से अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं। बोनस की कोशिश और बोनस इनकी ताकत हो सकती है। बहरहाल 2-0 से आगे इस वक्त मुंबई। डॉक्टर होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी मुंबई इस समय लंबी उड़ान भरी मगर सेफ। ओहो हो, डिफेंडर सामने वाले पाले में जा सकते थे और टच पॉइंट यहां मिलता हुआ इस समय पुणे को। पहला पॉइंट इस वक्त पुणे के प्याले में, 2-1 का स्कोर। तुषार शिंदे के सहयोगी हैं इस वक्त एक नंबर से, जो कि बेहतरीन रेडर इस समय तुषार और जतिन संदे के बाद साबित हो सकते हैं गेम चेंजर के रूप में, लेकिन कदी इनका बड़ा नहीं इसलिए खाली हाथ ही वापस लौटे। भूषण फिर से आ गए हैं, शारीरिक रूप से काफ़ी कौशल में दक्ष नजर आ रहे हैं। प्रतिभा भी बेहतरीन है तो शारीरिक रूप से भी दक्ष काफ़ी मजबूत इनका, देखते हैं कैसे इनका रुतबा आगे दिखाई देगा खेल में। आसान नहीं होगा डिफेंड करना इनको। डीवाई पाटिल विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे बनाम डॉक्टर होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी मुंबई आमने सामने इस वक्त दूध या रोशनी में कृत्रिम प्रकाश में नहाया हुआ JJT यूनिवर्सिटी झुंझुनू, जो कि शिक्षा के साथ साथ खेल जगत में भी सिरमौर है और विशेष पहचान, जहां पे एक से बढ़कर एक बड़े टूर्नामेंटों का आयोजन, जहां पे सेलिब्रिटी और इंटरनेशनल खिलाड़ी भी चीफ गेस्ट के रूप में शिरकत करते हैं। सेफ कमबैक बोनस हासिल किया इसके साथ ही। तो आज इस टूर्नामेंट की बात की जाए, 9 नंबर से इस वक्त समीर चले हैं, धक्का दिया है। ओहो हो, डिफेंडर को ही सामने फेंक दिया लड्डू की तरह। रेडर सफल है बिल्कुल, जी हाँ। और यह ग्रीन कार्ड दिखाते हुए फर्स्ट वार्निंग, अधिकारों का इस्तेमाल बिल्कुल सही, ऑफ सेटिंग राइट, बिल्कुल गजब का मैच इस वक्त देख रहे हैं आप दूध या रोशनी में। तो इस टूर्नामेंट की हम बात कर रहे थे ओपनिंग उद्घाटन सेरेमनी की, डॉक्टर बलजीत सिंह जी सेखो के मुख्य आतिथ्य में उद्घाटन आगाज श्री गणेश किया गया और उसके बाद खेल का सिलसिला शुरू हुआ। भूषण फिर से आ गए हैं 12 नंबर पहचान संख्या से, काफ़ी मजबूत खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, शारीरिक रूप से बॉडी लैंग्वेज काफ़ी मजबूत और इनका कौशल भी उतना ही टाइट हो सकता है। 5 के डिफेंस में इस वक्त मुंबई माया नगरी के नाम से मशहूर, जहाँ सेलिब्रिटी और उद्योगपति जहाँ निवास करते हैं, बिजनेस पूरे विश्व में उनका डंका बजता है, ये वही मुंबई माया नगरी है जो कि डॉक्टर
होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी और उनके सामने डीवाई पाटिल विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे। चार के डिफेंसेस में तुषार शिंदे, निश्चित रूप से शिंदे का सुरमा। चार नंबर तुषार शिंदे, जबकि सात नंबर जतीन शिंदे खाली हाथी वापस लौटे। तीन नंबर से इस वक्त पहला रेड संभवत है ये इनका, सिद्धू। सिद्धू मूसेवाला नाम सुना होगा आपने, लेकिन ये मूसेवाला नहीं, ये सिद्धू हैं। सिद्धू निश्चित रूप से सिद्ध करना चाहेंगे, साकार साबित करने की इनकी मंशा होगी, लेकिन पहला ही रेड इसलिए सुरक्षित वापस। शुरुआती समय है खेल का, लेकिन ज्यादा आक्रामकता नजर नहीं आ रही, क्योंकि 20-5 का मुकाबला है, समय निश्चित रूप से कम नहीं होता 20-5 का। और थाई पैटे क्या है ये देखिए, जबरदस्त इस समय समीर डबल रोल में। जितने बेहतरीन रेडर उतने शानदार डिफेंडर भी माने जाते हैं। मध्यांतर में बेहतरीन कैच किया, थर्ड रेड पे इस समय तीन नंबर के रेडर सिद्धू चले हैं। डू डाई आगे कुआ पीछे खाई, धक्का दिया बाहर भेजा, रेडर आउट। कमाल का पुश डोडाई से। 5-3 का स्कोर, 2 अंक की बढ़त है इस वक्त पुणे के पास, मुंबई पीछे। लेकिन बेहद रोमांचक मैच है ये, मैच से पहले ही बता दिया गया। बैक होल्ड की कोशिश, लेकिन लक्ष्य तक पहुंच गए। 6 नंबर को बाहर जाना होगा, कमजोर पकड़ और उसी कमजोरियों से बाहर निकले मुंबई के रेडर। 5-4 का स्कोर, लेकिन भूषण आ गए हैं अब रेड पे, जो कि शानदार भूमिका में इस समय सबसे सफल रेडर इस मैच में। पुणे की ओर से टोटस की कोशिश, लेकिन सुंदर बचाव, फिर से प्रयास किया है, इस बार शायद सफल हो सकते हैं, इंतज़ार करना होगा। नहीं, क्लियर नहीं, बिल्कुल लाइन के इर्द गिर्द पाँव था, क्योंकि ऑफसेटिंग के ऊपर किसी प्रकार का सवाल या निशान नहीं उठा सकते, लंबा अनुभव है और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ ऑफसेटिंग। तुषार शिंदे चले हैं, तुषार को दबोच लिया है इस वक्त, जबरदस्त पकड़, बेहतरीन कैच, सेंटर कवर से कैच करता हुआ पुणे। 6 पे पहुँचता हुआ पुणे, कोच की लगातार मंत्रणा, गुरु दक्षिणा और भरपूर फायदा उठाना चाहेगा। 2 अंक की बढ़त अभी भी। 9 नंबर से चले हैं इस समय समीर, समीर का सुरमा मुंबई के लिए खतरा हो सकता है। शानदार प्रदर्शन के लिए इस समय पुणे अपने कदम बढ़ाता हुआ, जबकि मुंबई भी कम नहीं है, 6-4 के साथ सिर्फ 2 अंक आगे पीछे। 5 का डिफेंस, 9 नंबर के रेडर समीर रेड पे। इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी मेन 2024-25 पहला दिन और बेहतरीन मुकाबले दूधिया प्रकाश में इस समय आप देखते हुए ये शानदार ब्रॉडकास्ट। 27 सेकंड गुजार कर वापस लौटा और यहाँ भूषण आ गए हैं डोडाई रेड पे, खतरा हो सकता है। भूषण इस समय थोड़ा सा प्रेशर में होंगे, क्योंकि करो मरो की स्थिति है, खतरा बढ़ाने की कोशिश, और यहाँ उठा लिया बाहर, धक्का खेल दिया, बेहतरीन पोस्ट, बड़ा पोस्ट इस वक्त। हालांकि एक एक पॉइंट दोनों टीम के खाते में गया है, बिल्कुल शानदार ऑफसेटिंग दाद देनी होगी, चाहे वो रिस्पेक्टेड निकिता हो या फिर उनके साथ तमाम उनकी सहेलियां। 7-5 डूड आई थी, इसलिए दबाव में दिखे पहली बार भूषण। 1 नंबर से खामोशी वापस, समीर आ गए हैं अब। भूषण जब बाहर हो तो समीर का दायित्व बनता है कि वो ही रेड की भूमिका निभाए, और जब समीर भी बाहर हो तो सिद्धू आगे जाते दिखाई देंगे। जतीन शिंदे आ गए हैं डूडाई पे, करो मरो की स्थिति में।
संघर्ष बड़ा होना चाहिए इस राइड से। धक्का दिया है, लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। जी हाँ, राइडर बिल्कुल सफल है। पहले वार्निंग दी जा चुकी थी और इस समय टेक्निकल पॉइंट मिला है बिल्कुल निश्चित रूप से। तो तकनीकी रूप से पॉइंट कमाता हुआ इस वक्त पुणे, राइडर सफल थे। 9 नंबर से इस वक्त समीर वापस मुंबई की वापसी। यूं ही नहीं कहा जाता माया नगरी। और यहां धक्का देकर बाहर धकेल दिया, बड़ी सफलता इस वक्त समीर जैसे स्टार राइडर को बाहर भेजकर मुंबई वापस पलटवार करता हुआ। अब मजा आएगा आगे के खेल में। सुपर टेकल ऑन पुणे अंडर प्रेशर, यहां जोखिम उठाना चाहिए था लेकिन सेफ ही वापस। 12 पे है इस वक्त मुंबई, जबकि 5 पे है पुणे। ओहो हो, फिर से गलती। 6 पे पहुंचता बाब। बिल्कुल कांटे की टक्कर, 12-6 का स्कोर। जबरदस्त पलटवार यहां मुंबई का। सेफ सिद्धू आ गए हैं, क्योंकि समीर भी बाहर है, भूषण भी बाहर है, इसलिए सिद्धू टच पॉइंट। टॉटच बिल्कुल सही निर्णय इस समय। डूडाई पे अब मुंबई, जतिन शिंदे आ गए हैं 7 नंबर पहचान संख्या, सुपरस्टार इस समय मुंबई की ओर से उभरते हुए खिलाड़ियों में से एक। और यहां लक्ष्य तक पहुंच गए हैं, एक और सफल पॉइंट, लेकिन सिद्धू के ऊपर दायित्व है। हालांकि भूषण वापस आ गए हैं लेकिन पिछले रेड पे सफल थे इसलिए फिर से आगे बढ़े हैं। कोशिश होगी फिर से सफल वापस लौटने की। 6 का डिफेंस बोनस ऑन। शिक्षित वापस पर शूट यहां मुंबई का, जबरदस्त पलक झपकते ही फायदा उठाया और कॉन्फिडेंस में पॉइंट गंवाया पुणे ने। भूषण 14-7 का स्कोर है, दुगना स्कोर इस समय मुंबई का पुणे के सामने, जबकि भूषण प्रयासरत। बोनस पीछे मुड़ के देखा, आंखों में इशारा हो गया, अगर दोबारा ट्राई किया तो बोनस हो गया। जी हाँ, मैट को थपथपाते हुए भिन्न भिन्न प्रकार से, ये देखिए कंट्रोल इस समय पुणे टीम का। दोनों हाथ मैट पे थपथपाए तो भूषण वापस लौटे, वो जानते थे कि अब बोनस हो चुका है। सुपर टेकल ऑन मध्यांतर में भूषण, जबकि सेफ ही वापस। 26-27-28 सेकंड जाया करते हुए वापस लौटे हैं, डी लाइन को छोकर वापस आ रहे हैं 6 नंबर। क्या डूडाई होगा? सुपर टेकल ऑन, रोमांचक निश्चित रूप से, दिल की धड़कने बढ़ा देने वाला। श्री जगदीश प्रसाद जाबरवल टिबड़े वाला यूनिवर्सिटी झुंझुनू में इस समय दूधिया रोशनी में आप देख पा रहे हैं बेहतरीन मैच पुणे बनाम मुंबई। 2 बड़ी टीमें आमने सामने, इसलिए 20-5-20 का ये मुकाबला आप जो जो खेल आगे बढ़ेगा इसका रोमांच और बेहतरीन नजर आएगा। आप अपनी राय साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए, या कहें कि टिप्पणी के माध्यम से। उड़ान भरी लेकिन चकाचौंध की दुनिया में चकमा खा गए इस समय भूषण, और बड़ी सफलता इस समय, बड़ी मछली मुंबई के जाल में। डूडाई पे अब मुंबई, सुपर टेकल भी ऑन है, 2 का डिफेंस, दोनों ही साइड से अग्नि परीक्षा, कड़ा इम्तिहान। और यहाँ सुपर टेकल में कामयाबी मिल सकती है। जी हाँ, और यहाँ अब छोड़ने वाला नहीं पुणे, पुणे के पंजे में फंस गया है मुंबई। 2 पॉइंट सुपर टेकल से इस वक्त। तो कई बार देखने को मिलता है सुपर टेकल जब खासकर 2 के डिफेंस में हो तो रेडर कई बार फंस जाते हैं, और पिछले रेड पे 2 पॉइंट गंवाए मुंबई ने, इसलिए संजीवनी के रूप में राहत मिली पुणे को। सुपर टेकल कंटिन्यू ऑन।
डिजाइन को छूकर वापस। समय गुजारते हुए दबाव बनाने की कोशिश माया नगरी मुंबई की। डॉक्टर होमी बाबा स्टेट यूनिवर्सिटी मुंबई बनाम डीवाई पाटिल विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे, फिर से वही अंदाज, समय गुजारने की फितरत। और यहाँ रडर बहार शानदार पुश मुंबई का डूडाई, दो का डिफेंस है और फिर से नौबत यहाँ नजर आई। सुपर टेकर से छोड़ने वाला नहीं, जबरदस्त प्रयास रडर का, लेकिन छोड़ने वाला नहीं समय, कभी नीचे तो कभी ऊपर, और इसके साथ ही शिकार हो गए पुणे के पंजे में, फंसता हुआ इस समय मुंबई का रडर जतिन शिंदे। समीर आ गए हैं, अब दो सुपर टेकर से चार पॉइंट पुणे को, और बढ़त को कम करता हुआ वापसी की जुगत में, कभी आगे तो कभी पीछे, लेकिन कुल मिलाकर रोमांचक मोड पे मैच। फर्स्ट हाफ का खेल, छह का डिफेंस, और यहाँ लीजिए मिल गया उपहार में ही। हाफ टाइम का समय, मध्यांतर, हाफ टाइम के समय स्कोर मुंबई 16 जबकि पुणे 13, 3 अंक की बढ़त है, और इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना रोमांचक है ये मैच यहाँ इस समय आप देख पा रहे हैं। दूसरा हाफ लीजिए अब, 9 नंबर से समीर ही आगे बढ़े हैं पहला रन देकर पुणे की ओर से, मामूली पीछे है 3 पॉइंट, और ज़्यादा विशेष बढ़त नहीं की जा सकती, छोटा स्कोर ये दर्शाता है कि रोमांचक मैच। इधर से उधर ललचाने की कोशिश आमंत्रित करना चाहते हैं ताकि मुंबई गलती करे, लेकिन ये मुंबई इतना आसानी से गलती करने वाला नहीं है, जहाँ से क्रिकेट के भगवान गॉड ऑफ क्रिकेट भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर बिलोंग करते हैं, ये वही मुंबई माया नगरी से खेलने पहुँचे हैं इस वक्त। डॉक्टर होमी बाबा स्टेट यूनिवर्सिटी मुंबई बनाम डीवाई पाटिल विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे। समय बिताने की कोशिश मुंबई की बढ़त को देखते हुए, क्योंकि समय बहुमूल्य, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलन लोटी गोपियाँ वही अर्जुन और वही। समय इंतज़ार नहीं करता, जो निरंतर आगे बढ़ता है और जो समय के साथ चलता है वो मंजिल पा जाता है। के कीप पेस विद टाइम, समय के साथ चलिए। डूडाई पे आ गए हैं अब समीर, 5 का डिफेंस से बोनस ऑफ है, मुश्किल हालात समीर के लिए। ओहो, उड़ान भरी है चैन के ऊपर से, छलांग लंबी थी मगर दबोच लिए गए, शानदार कैच, यहाँ तारीफ करनी होगी मुंबई के डिफेंस की। हालांकि फ्लाइट की तरह जो आकाशा और एयर इंडिया का विमान जैसे उड़ान भरता है, फिर इंडिगो क्यों ना हो, कुछ उसी भांति उड़ान भरी मगर करेस हो गया विमान पुणे पहुंचने से पहले ही। ओ डबल थाई होल्ड सुपर टेकर से, इस समय पुणे पूरी ताकत झोंकता हुआ, वाह सुपर टेकर से डबल पॉइंट यहां मिलते हुए स्ने के द्वारा शानदार इशारा था, इस समय शानदार ऑफसेटिंग, रोमांचक पल इस वक्त गजानंद ओबड़ा के संग आप देख रहे हैं, शानदार मुकाबले एक से बढ़कर, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। एक बार फिर सेफ कमबैक, 15 पे पहुंच चुका है पुणे, जबकि मुंबई अभी भी बढ़त पे कायम। जतिन शिंदे हो या फिर तुषार शिंदे, इनका सुरमा मुंबई के लिए गेम चेंजर के रूप में कामयाब हो सकता है। दूधिया प्रकाश में इस वक्त जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनू, कबड्डी की खूबसूरत बांधगी में नहाया हुआ है इस समय एंड्रेड प्लस यूनिवर्सिटीज आमने सामने इस टूर्नामेंट में खेल रही हैं, और खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरते हुए।
तकरीबन 28 सेकंड का समय ज़ाया किया और अब डू डाई पे आ गए हैं। करो या मरो, टच पॉइंट से स्कोर की झोली भरो, लेकिन संकट के हालात में पहुंच गए हैं। वाह, सफल टच पॉइंट स्नेह के द्वारा, शानदार इशारा तवा टच पॉइंट का। मुंबई इस समय आगे बढ़ता हुआ, जतिन शिंदे इस समय सुपरस्टार बेहतरीन रेडर, और यहां कॉर्नर पे टच पॉइंट खोजने की कोशिश। सुंदर बचाव, तेजी से यदि घूम पाते तो टच पॉइंट अर्जित कर सकते थे, लेकिन यहां दबोच लिए गए हैं। अब छोड़ने का जिक्र कहा, पुणे के प्याले में बहुमूल्य अंक, तारीफ करनी होगी मुंबई के सामने पुणे की पलटवार करता हुआ सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में पिछड़ा, लेकिन सेकंड हाफ में देखिए इसमें सुपर टेकल में फायदा उठाने की कोशिश से। भूषण रेड पे सबसे मजबूत और ताकतवर रेडर, लेकिन सेफ वापस एक बार फिर से, और यहां डबल थाई होल्ड, जबरदस्त पकड़ है, एक और बहुमूल्य अंक, और अब कमजोर होता मुंबई। जबरदस्त वापसी पुणे, भूषण आए हैं वापस, ऑल आउट का खतरा बढ़ सकता है। छोटी सी गलती आपको ऑल आउट की ओर लेकर जाएगी, इसलिए सावधानी से टैकल करने की आवश्यकता। दो का डिफेंस, सुपर टैकल ऑन, और यहाँ देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं, आखिर निर्णय की प्रतीक्षा। रेडर सेफ है, ऑल आउट, और यहाँ चार पॉइंट जाते हुए पुणे के प्याले में। ग्रीन कार्ड दिखाते हुए इसमें मुंबई को वार्निंग, बिल्कुल अधिकारों का इस्तेमाल। ऑल आउट के साथ ही 22 पे पहुंच गया पुणे, जबकि 17 पे है मुंबई। 22-17 का स्कोर, जबरदस्त पलटवार, और इधर से पुश किया है, बोनस जरूर अर्जित किया, लेकिन पॉइंट इस समय पुणे के खाते में। 23-18, 5 अंक की बढ़त और गजब की वापसी, ग्रेट कमबैक बाय पुणे, नो डाउट अबाउट। फर्स्ट हाफ में मुंबई आगे और अब पुणे आगे। ये देखिए भूषण टच पॉइंट अर्जित करते हुए, माफ कीजिए समीर थे, समीर भूषण और सिद्धू, ये तीन ऐसे रेडर जो किसी भी वक्त खेल बदलने की ताकत रखते हैं, गेम चेंजर खिलाड़ी। इधर से उधर मौके की तलाश में जतिन शिंदे हैं, माफ कीजिए तुषार शिंदे, मंत्रणा इस समय समीर और भूषण के बीच। बेहद रोमांचित कर देने वाला मैच, जिसने ये मैच नहीं देखा तो उसने क्या देखा। पुणे बनाम मुंबई, लंबे हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन सेफ ही वापस। पॉइंट की मांग की जा रही है ऑडियंस के द्वारा, लेकिन 7 का सॉलिड डिफेंस इसमें पुणे के पास, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा पॉइंट या फिर बोनस निकाल पाना। प्रयास लेकिन आधा अधूरा। समीर डी लाइन को छूकर ही वापस। 27 सेकंड के बाद वापस लौटे, डू डाई पे जतिन शिंदे हैं या फिर तुषार शिंदे, लेकिन हैं शिंदे, 4 नंबर यानी तुषार शिंदे दिखाई दे रहे हैं। संकट की घड़ी है, विपत्ति सामने खड़ी है, और यहां लक्ष्य तक पहुंच गए शिंदे, टच पॉइंट लेकर वापस आए हैं। अब इधर भी डू डाई लीजिए, बहुत ही खूबसूरत बांधगी इस वक्त कबड्डी के रूप में आप देख रहे हैं, जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनू। बोनस लेकर स्कोर में वृद्धि करता हुआ पुणे, लेकिन शिंदे एक बार फिर से हैं, पिछले रेड से कामयाब रहे थे इसलिए फिर प्रयासरत। दुधिया प्रकाश में एंगल होल्ड का शिकार, इसमें छोड़ने वाला नहीं पुणे, पुणे के पंजे में फंसता मुंबई। उसी मौके की तलाश में था, और जैसे ही
बोनस के लिए पांव आगे बढ़ाया, बेहतरीन एंगल होल्ड का शिकार किया इस वक्त पुणे ने। 27-28 सेकंड गुजारे हैं। देखिए बढ़त को देखते हुए समय गुजारना हर खिलाड़ी की नज़ाकत है पुणे साइड से, लेकिन मुंबई के ऊपर दबाव बढ़ता हुआ जो जो समय आगे जा रहा है, मुंबई मनोवैज्ञानिक रूप से भी पीछे भटक रहा है। तारतम्यता देखिए, विचलित करने की कोशिश, एकाग्रता भंग करना चाहते हैं, मगर ओहो परशूट लगाना चाहते थे। 6 नंबर से इस वक्त पुणे, तो सेल्फ आउट हुआ था एक डिफेंडर पुणे का, इसलिए कि पॉइंट मुंबई के खाते में ज़रूर आया है, लेकिन क्या वापस मुंबई लौट पाएगा मैच में, ये बड़ा सवाल इसमें माया नगरी के लिए। डीवाई पाटिल, विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे बनाम डॉक्टर होमी बाबा स्टेट यूनिवर्सिटी मुंबई। समय गुजारते हुए इसमें भूषण 27 सेकंड के बाद वापस लौटे, 6 का सॉलिड डिफेंस, यूं गए और यूं आए, डूडाई की प्रतीक्षा में मुंबई। समीर डूडाई पे मुंबई आ गया, जबकि पुणे मैच में छा गया है। 9 नंबर से समीर हैं प्रयासरत, क्रोमरों की स्थिति में हर हाल में पॉइंट चाहिए, नहीं तो रेड आउट माना जाएगा रूल के अनुसार। हवा में किक किया, क्या गुमराह करने की कोशिश की है, और यहां ले जाए टच पॉइंट लेकर आखिर लौटे हैं डूडाई पे मुंबई। अब पुणे ने तो पॉइंट हासिल किया, लेकिन यहां मुंबई देखते हैं कमाल का डिफेंस नजर आता हुआ पुणे का, पुणे कोई कमी नहीं छोड़ना चाहेगा इस वक्त। अंतिम 4 मिनट का खेल शेष, ऑफिशियल्स का इशारा, 28 है पुणे जबकि 20 है मुंबई, 8 अंक की बढ़त, 1 नंबर से आगे बढ़े हैं, दबाव मुंबई के ऊपर मंडरा रहा है, और शारीरिक भाषा शैली से भी रीड किया जा सकता है कि कितना दबाव है माया नगरी के ऊपर। 3 मिनट का खेल शेष अब, जबकि 8 अंक की बढ़त पुणे के पास, और यहां पहुंच गया है मुंबई सफल यात्रा 1 नंबर रेडर में। 21-28 का स्कोर, 7 अंक पीछे मुंबई, और चिंतित यहां टीम के कोच लगातार विचार विमर्श करते हुए टीम के साथ, मंत्रणाएं दोनों ही साइड से, और जब रेड पे थे समीर तभी भी गाइडेंस भूषण के द्वारा दिए जा रहे थे, शायद कॉर्नर को लेकर कमजोरी शो करना चाह रहे थे कि इस एंगल से पॉइंट मिल सकता है तो कहीं ना कहीं तेजी से कदम बढ़ा सकते हैं। अंतिम 2 मिनट का खेल शेष, 21-28 के साथ पुणे बढ़त बनाए हुए, तेजी से आगे बढ़े हैं, समय का दबाव तकरीबन 100 सेकंड के आसपास खेल शेष है, इसलिए पुणे मुंबई के सामने विशेष टच पॉइंट मांग की है, और हासिल भी क्या ईमानदारी का परिचय 4 नंबर से पुणे की ओर से है। 22-28 टू डाई पे भूषण है, करोमरों की स्थिति में समय पूरा लेना चाहेंगे, जोखिम अंतिम 10 सेकंड में ही उठाना चाहेंगे, और बोनस की कोशिश की, अरे वाह भाई वाह, टू डाई से क्या बोनस मिलेगा देखते, कमाल का डिफेंस, और यहां चोट लगी है शायद चोटिल है यहाँ भूषण, ओहो हो कुछ तो गड़बड़ है। 23-28 5 अंक की बढ़त, अंतिम 60 सेकंड का खेल शेष, 4 का डिफेंस है, मुंबई संकट में है, समय ज़्यादा नहीं बिताना चाहिए, शुरुआती 10 सेकंड में ही आगे जाना चाहिए था, लेकिन 5 अंक की जो बढ़त है लगता नहीं कि शेष सेकंडों में काट पाएगा, और रेडर यहां आउट, सेल्फ आउट उपहार में पॉइंट, दिवाली का तोहफा इस समय मुंबई के द्वारा पुणे को, धनतेरस का उपहार मिलता हुआ। अब 29-23 और 6 की बढ़त, लेकिन क्या बैक होल्ड है, जबरदस्त है, जी हाँ पॉइंट जाता हुआ इस समय मुंबई को, 24-29 5 अंक की बढ़त अभी भी कायम, 4 का डिफेंस, कॉर्नर पेंगल होल्ड,
और यहाँ रेडर सेफ क्योंकि सेल्फ आउट हो गए थे साइड डिफेंडर है वो। 25वां पॉइंट 25-29 चार अंक की बढ़त। इसके साथ ही समय समाप्ति यहाँ लीजिए बिल्कुल 25-29 के साथ 25-29 चार पॉइंट के मामूली अंतर से डीवाई पाटिल विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे ने मुंबई को पराजित किया है और शानदार जीत दर्ज की है। वेल प्लेड बॉस टीम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मैच है पुणे। आपको वापस स्टूडियो ले चलता हूँ, मैं यूं गया और यूं आया इस ब्रेक के बाद।